नमस्कार। हमने कला संकलन के द्वितीय भाग में श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी और श्री गजानंद माधव मुक्ति बोध की भूल गलती कविता की कुछ पंक्तियां। अब प्रश्न ये आता है कि एक कलाकार का इन कविताओं के साथ क्या संबंध हो सकता है। वही बात आज हम आपसे करेंगे। देखिए, जिस तरह से एक ताल है, मीन्स तीन ताल कहें, 16 मात्रा, धा धिन धिन ना, ता तिन तिन ना, ता तिन तिन ना, धा धिन धिन ना, ये एक रिदम है। दूसरी रिदम अगर हम कहें कि धागे न तिनक तिन, धागे न तिनक तिन, धागे न तिनक दिन, ये एक रिदम आती है। ता थई तत थई तिकता तिक तिक थई, ता थई तिकता तिक 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 थई, ये जो रिदम है, एक कवि जब अपनी कविता की रचना करता है तो उसमें एक रिदम होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भूल गलती आज बैठी है, जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, तो धा दिन दिन दिन, धा दिन दिन दिन। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक कोई गीत है, उस गीत की बात करें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो सुर और ताल का संवाद में कितना 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 महत्व है, इस विषय में हम बात करते हैं जो हमने कविता वाचन में किया। अब अगर मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं कि अंधा युग है, एक प्रहरी का संवाद है, थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सोने गलियारे में, सोने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरों वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी। तो ये संवाद की अदायगी में रिदम है, स्वतंत्र काव्य है, रिदम है। इसी तरह से जब एक अभिनेता अपने संवाद को बोलता है तो उसमें सुर और ताल का बड़ा गहरा संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि थके हुए हैं हम, तो आप देखिए कि उसमें थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं सोने गलियारे में, सोने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरों वधुए मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी।